भोजपुर में विधवा महिला के साथ पहले मारपीट और फिर रेप, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पीड़िता और आरोपी दोनों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां मवेशी का चारा लाने गांव के बगल के बाधार में गई एक महिला के साथ आरोपी ने पहले मारपीट किया, इसके बाद उसके साथ रेप कर भाग रहा था। तभी महिला द्वारा हो हल्ला करने के बाद गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच आरोपी को पकड़ लिया। मारपीट की घटना में आरोपी और पीड़िता दोनों घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराकर घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि मैं शुक्रवार को अपने गांव के बगल के खेत में मवेशी का चारा लाने गई थी। उसी क्रम में एक व्यक्ति आया और बोला कि तुम हमारे खेत से खेसारी का घास काट ली हो। मैंने कहा कि मैं नहीं काटी हूँ। आरोपी नहीं माना और लाठी से मार दिया, जिसके बाद मैं वहीं पर गिर गई। उसके बाद आरोपी ने मेरे साथ गलत काम किया, यानी रेप किया। कहा कि किसी से बताना नहीं तो मैं तुम्हारा जान मार दूंगा, और भाग गया। किसी तरह उठकर हल्ला किया तो गांव के लोग उसको पकड़ लिए। पकड़ा गया आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छुटकी सनदिया गांव निवासी अमित कुमार है, जो सदर अस्पताल में आरोपी और पीड़िता दोनों का इलाज कराया जा रहा है। आरोपी अमित कुमार ने बताया कि मैं घूमने गया था और नशा किया था। नशे की हालत में मैं समझ नहीं पा रहा, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा नहीं होगा, मुझे महिला ने ही मारकर घायल कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद मैं भाग रहा था, तभी गांव के लोगों ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डायल 112 के पुलिसकर्मी ने बताया कि हम लोगों को फ़ोन से सूचना मिली कि एक महिला के साथ रेप कर भाग रहे आरोपी को पकड़ा गया है। सूचना मिलने के बाद हम घटनास्थल पर पहुंचे, जहां देखा कि महिला का सर फटा हुआ है और गिरी पड़ी है। वहीं आरोपी को भी सर में चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दिया गया है। इस मामले में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि थाना क्षेत्र से एक विधवा महिला के साथ पहले मारपीट और रेप की घटना की सूचना मिली है। पुलिस आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी और पीड़िता दोनों के साथ मारपीट भी किया गया है, जिसमें दोनों को चोट लगी है। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया जाएगा। अभी पीड़िता की तरफ से आवेदन नहीं दिया गया है। आरोपी की पहचान भी हो गई है, जो थाना क्षेत्र के छुटकी सनदिया का रहने वाला अमित कुमार है। पुलिस जाँच कर रही है। कहाँ जा रही थी? घास काटे। घास काटे, हाँ। भी लगता जो है हमारे जो है पहले मार दे लाके एक लाठी, हम गिर गए गिर गए नी। तब कहता है घास काटे लग रही ना, बस मार दे ला मार के इज्जत टूट गया। इज्जत टूटत रहा, हाँ। कहना की जब न कोई के कहीं तो तुम जान मार दे बहु, अखने मार दे तो बचाता। अच्छा। हम कहीं ना बेटा तो ही बचे, हाथुआ लेके फेंक दिला कमरा। अच्छा। इज्जत लूट लिया, इज्जत लूट लिया, हाँ। अब हम दी और तो हल्ला कहीं तो सब दौगल तो लूट भागल चल के तो वरना साधिया दने पकड़ाल। अकेले था? हाँ अकेली था। आपके हस्बैंड है? ना। विधवा है आप? हाँ। बाल बच्चा? कोई ना हो या तो बेटी हो। वो अकेले था? वो आए अकेले था, हाँ अकेली है। इतना मोटा लाठी ले 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 लिया। आप उनको चिंता है? पहले मार के किया है आपके साथ गंदा काम? हाँ पहले मार दिया है। आप मार के कहीं को है बेटा? उसको पहचानती है आप? ना ना। और कहता झूठे मूठे के हमें काम पद नहीं गेली, तो कहता रहा कि हम खेसवाड़ी के गोराई के सब तोड़ ले थे। क्या क्या नशा किया था है? तो कहे उसके साथ ऐसा गंदा काम किया? गलत कर दिए हो? बोलो कौन गांव में गए थे, कहाँ के रहने वाले हो तुम? अच्छा तुम उधर क्या लगे थे? घूमने के थे, इसलिए काम कर दिए? क्या नाम है तुम्हारा? पटना से आता है। हाँ। क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि एक लेडीज के साथ गलत काम हुआ बधार में। कहाँ पे सूचना मिली थी? ये हम लोग सिंह मोड़ पे थे। हाँ। जी तो बड़ा सभी डुमरा के पास बधार में। अच्छा तो आरोपी भी पकड़ा है? जी आरोपी भी पकड़ा गया। तो आरोपी को कौन मारा? आरोपी वो दोनों आपस में, आपस में, आपस में अपने बचाव में जो लेडीज ने मारा। ग्रामीण भी मारा है? ग्रामीण भी था, लेकिन ग्रामीण ने हाथ में किसने नहीं उठाया, पदार्थ पकड़े। ठीक।